वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत प्यारे से मौसम के साथ और प्यारे प्यारे से फ्लावर्स के साथ जो मैंने आपको दिखा दिए, और आप मौसम देख सकते हैं एकदम नीला आसमान है आज और बादल बादल है, बट शाम तक ना ये काले काले बादल हो जाते हैं। धूप बहुत ही अच्छी खिली है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है मैंने एक लिंक जो कि मेरा लिंक करके है, वो आप सभी के लिए है, उसे आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको मिलेंगी बहुत सारी कैटेगरीज़ में आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, किचन, होम, डेकोर, फैशन, तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आपको अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में आप देख सकते हैं यहाँ बन रहे हैं आलू के परांठे। आज है संडे, तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी संडे। आपका संडे कैसा कैसा जाता है मेरे साथ अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा तो संडे और ज़्यादा सरदर्द वाला होता है, और दिन में ये रहता है कि थोड़ा फटाफट काम हो जाता है। संडे को सब लोग सुस्त आते हैं, सैटरडे की नाइट में लेट सोते हैं, संडे को लेट उठते हैं, और एक संडे ऐसा होता है जो मतलब नाम से ही लेज़ी है। तो बस वैसा ही चल रहा है यहाँ पर। ब्रेकफास्ट हो चुका है, लेट ही ब्रेकफास्ट हुआ है 10:30-11 के करीब। उसके बाद बर्तन वगैरह किचन में हो चुके हैं, और उसके बाद आ गई हूँ मैं झाड़ू पोछा करने, तो झाड़ू लगा रही हूँ। हालांकि आज इतना कुछ था नहीं, बट मैंने कहा चलो लगे हाथ थोड़ा थोड़ा जो भी है धूल वगैरह वो सब साफ़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले अंदर वाले रूम की डस्टिंग की, और उसके बाद झाड़ू लगाया, उसके बाद हॉल को समेटा, फिर हॉल में भी यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, तो फटाफट यहाँ भी लगा दूँगी। और कपड़े वगैरह आज मैं कुछ नहीं धुलूँगी, बस आज का यही काम है मेरा। तो आजकल थोड़ा तबीयत मैंने आपको बताया था कि सुस्ती सी मुझे रह रही है, और सुस्ती भी बड़ी मस्त वाली है, नींद लगी रहती है 24 घंटे। मैं सोचती हूँ बस एक काम हो गया और मैं लेट जाऊँ, इस तरीके का मुझे है। 2-3 दिन ऐसा रहेगा, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊँगी, बट दर्द वगैरह कुछ नहीं है, आजकल मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। और आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि दी दवाई के बारे में बताना जो आप ले रहे हो, हमें भी लेनी है। तो देखिए आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, जो आपको डॉक्टर देंगे आप वो दवाइयाँ खाइए। जो मुझे लिखी है वो दवाई मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि सबको अलग अलग तरीके की दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं। उठाओ बेटे, ये ले जा अंदर। तो दोपहर के टाइम इतनी तेज़ हवा चल पड़ती है ना, ये लो ये पीछे वाले रूम में ले जाओ। टाइम जो है वो हो चुका है 2:30 बजे का। पोछा लगाया था तो उसके बाद ये बाहर रख दिया था यहाँ सूखने के लिए। बस अब ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो जाती है। इसको रख देते हैं, फैन लगा के रखा हुआ। तो लंच वंच हमारा हो चुका है, और अभी अभी हस्बैंड गए हैं शॉप लंच करने के बाद, और मम्मी पापा आए थे, बट वो शॉप तक ही आए थे, कुछ सामान था उनका वो रखने आए थे वो शॉप तक। तो हाँ, शॉप तक आए थे, फिर वो निकल गए, और इसीलिए हस्बैंड को जल्दी जाना पड़ा। लंच में दाल चावल हमने बनाई थी, और ये अभी अभी मैंने भिगोए हैं, गरम है ये। चने भिगोए हैं मैंने, हाँ, काबुली चने, शाम को हम बनाएंगे आज छोले। तो मोटी दाल मैंने कहा बीच बीच में कभी बना लेनी चाहिए, तो प्लेट नहीं मुझे मिल रही, तो ढकने के इसे ढक देती हूँ। और सारा काम हो चुका है, बर्तन इधर धुल गए हैं, बस एक रहता है ये तवा, ये मैंने अभी छोड़ा है, और बाकी सारा काम आपको पता है हो गया। पूरा दिन निकल जाता है बस इन्हीं कामों में, झाड़ू पोछा और कचरा पता नहीं क्यों हो जाता है। इतने बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं फिर भी पता नहीं क्यों कचरा कर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं, कूड़ा बहुत ज़्यादा, कागज़ 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 काटती रहती है लावण्या। और ये देखिए ढेर, तो अभी मैं इस ढेर को बैठकर फोल्ड करने वाली हूँ, क्योंकि कल भी टाइम नहीं लगा था, सुबह सोच रही थी, मुझे लगा पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी मैंने डस्टिंग की, अब इसके बाद इनको फोल्ड करती हूँ फटाफट से बैठकर, उसके बाद करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। और दो दवाइयाँ मैंने ले ली है सुबह की, एक दवाई नहीं ली है मैंने, वो भी ले लेती हूँ। तो माँ बेटी हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पर कपड़े फोल्ड करने, क्योंकि ये मेरे पास आ ही जाती है जब भी मैं काम करती हूँ, चाहे मैं किचन में काम करूँ तो ये स्लैब पर बैठ जाती है, ये अपना देखती रहती है कि मम्मा कैसे करती है। मैं बर्तन धोती हूँ तो ये साथ में खड़ी हो जाती है, और अभी मैं कपड़े फोल्ड करने आ गई हूँ तो इसे ये भी अच्छा लगता है, ये मेरे पास आ गई है। साथ ही में एक फ्रूट हम कट करके लेकर आए हैं, तो सूजल जो है वो आगे अपनी गेम खेल रहा है, और यहाँ पर मैं और लावण्या
अपने फ्रूट को भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ के साथ कपड़े भी फोल्ड करेंगे। इतने सारे कपड़े रखे हैं आप देख सकते हैं, तो बस ये सारे हमें फ़ोल्ड करने हैं। और सच बताऊँ आपको, इस टाइम में मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं सोच रही थी बस जल्दी ये ख़त्म हो जाए, मैं सो जाऊँ, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो सभी के कपड़े फ़ोल्ड कर करके हम लोगों ने अलग अलग ढेर लगा दिए हैं, लावण्या के अलग, सुजल के अलग, अपने अलग, हस्बैंड के अलग। इस तरीके से जल्दी भी हो जाता है और कपड़े अलग भी रह जाते हैं। और सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद मैंने बच्चों को यहाँ काम दिया। वैसे तो मैं बच्चों को देती रहती हूँ काम, तो यहाँ पर मैंने लावण्या को बोला है उसके कपड़े वो ले जाएगी, सुजल को बोला है वो अपने कपड़े ले जाएगा। और मतलब छोटे मोटे काम बच्चों को देते रहना चाहिए, कभी कभी तो बच्चे कर लेते हैं, बस मूडी से भी होते हैं बच्चे। लावण्या तो कर लेती है, सुजल थोड़ा मूडी सा होता है। तो बस लावण्या को मैंने यहाँ पर ये बेडशीट वगैरह भी दे दी है कि बेटा यहाँ रख दो वहाँ रख दो, ताकि बच्चों को ना चीज़ें अगर मांगो उनसे तो एटलीस्ट टाइम की उनको मिल जाए। तो ये अलमारी जो है अभी अंदर से ठीक करने वाली हो रखी है, क्योंकि यहाँ पर जो सामान आया था ना, वो जो मैंने मंगवाया था शादी का, वो एक साइड में मैंने रख रखा है। 5:45 का टाइम हो चुका है और चाय वगैरह मैंने बनाकर नहीं पी है। मन कर रहा था आज कॉफ़ी पीऊं, बट मैंने कॉफ़ी का जब बॉक्स देखा तो वो इतनी सी थी, वो जम गई है, शायद उसमें हवा चली गई होगी। तो अभी मैं ये छोलों को लगाने जा रही हूँ। आज का जो संडे स्पेशल डिनर होने वाला है, तो ये मैंने भिगोए थे, आप देख सकते हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए, पानी और ऐड करेंगे हम। और इसमें हम ऐड करेंगे नमक। और आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम और करना है, जीरा मुझे भूनना है। जीरा धनिया जो है वो ख़त्म हो चुका है, मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और गैस को करेंगे हम ऑन। तो नमक डाला है और थोड़ा सा इसमें तेल ऐड करूँगी, होता रहता है सब, थोड़ा सा तेल ऐड करूंगी ताकि ये उबले ना। और इससे मैं फिर 6-7 सीटी, ये लीजिए तेल भी ऐड हो गया। और अब करेंगे हम इसको बंद। तो ये हो गया बंद। और अब इसमें पहले मैं प्रेशर बढ़ने दूंगी, उसके बाद लगाएंगे इसमें 6-7 सीटी और हम करेंगे तड़के की तैयारी। थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। हमेशा मैं छोले में चाय पत्ती का पानी डाल देती हूँ, टी बैग वगैरह डाल देते हैं, बट आज नहीं डालेंगे, आज कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, सिंपल और टेस्टी। आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो पहले मैं तैयारियाँ कर लेती हूँ फटाफट से। और जो कुछ सामान नहीं है, हरी मिर्च तो दे दी सासू माँ ने, तो देखती हूँ क्या क्या नहीं है। हरी मिर्च लाल हो चुकी है बट चलेगी, तो चलिए मैं तैयार। तो ये मैंने प्याज अदरक और लहसुन भी कर लिए, इधर प्याज काट लिए बारीक बारीक, आज मैंने ग्राइंड नहीं किया है। और साथ के साथ बहुत दिन हो गए थे मैंने ये मसाले नहीं भूने थे, मैं लेकर आई थी आधा आधा किलो, जैसे आपका ये धनिया हो गया और ये हो गया आपका जीरा। तो ये मैं 3-4 महीने आराम से चल जाता है, आधा किलो मैं पीस कर रखती हूँ, बट अभी ख़त्म हो गया था तो यहाँ पर मैंने भून कर रख दिया है ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर ये मिक्सिंग जार भी निकाल दिया है, फटाफट से मैं इनको भूनती चलती हूँ और पीसती चलती हूँ। और छोले लगे हैं, लावण्या को मैंने बिठाया है पढ़ने, पता नहीं क्या कर रही है, पढ़ रही है ये लड़की, ये क्या हो रहा है, मैंने पढ़ने बिठाया ना बेटा, है ना, क्या है हाथ में, ये क्ले उठा दे, फटाफट उठा दे, मैं थप्पड़ मार दूंगी, अब मैं थप्पड़ मारूंगी। लावण्या पढ़ो, पेपर है ना कल। ये तो वो है नजर हटी दुर्घटना घटी वाले, अगर इनसे दूर हो जाओ ना तो बस, इनका ध्यान भी इधर उधर। तो मैं जल्दी इसलिए लग गई थी क्योंकि ये इसमें टाइम लग जाता है ये सब काम में, तो बस। और बाहर से ना ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मजा आ रहा है, सर्दी का एहसास। तो चलिए फटाफट इसे भूनती हूँ, पीसती हूँ और उसके बाद छोले बनाएंगे हम। टाइम हो चुका है 7:30 का और लाइट जाकर हो चुका है तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा, 40-45 मिनट हो गए होंगे, एक घंटा होने वाला है। और उसके चक्कर में मैंने अभी तक छोले नहीं बनाए हैं क्योंकि मैंने आज आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी। छोले बहुत अच्छे से उबल चुके हैं और यहाँ काम चल रहा है ये टॉर्च से। तो मैं मसाले भून रही थी, धनिया तो मैंने भून कर यहाँ भर दिया है इसमें शीशे वाली इसमें, और जीरा रह गया, उतने को लाइट चली गई।
तो जब लाइट गई तो मैंने आटा भी गूंद लिया और बर्तन भी धो दिए, और उसके बाद ये मैंने फ्राइड राइस बना दिए हैं। आज फ्राइड राइस बना रही थी, मैं बोल रही थी आज संडे स्पेशल हम डिनर करेंगे, बट ऐसा स्पेशल हो गया, मुझे लगता है कैंडल लाइट डिनर अब होगा, क्योंकि इस टाइम लाइट जाती है तो आती नहीं है। तो ये देखिए, ये मैंने बनाए हैं फ्राइड राइस, ये आपको दिखाऊँ, बहुत ही अभी पता नहीं अच्छे से दिख रहे होंगे कि नहीं। तो ये मैंने फ्राइड राइस बनाया, थोड़ी सी हल्दी डाली है, जीरा और घी में भुना है चावल को अच्छे से। बाकी तैयारी मेरी हो चुकी है, बस थोड़ी देर देखती हूँ लाइट आई तो ठीक है, नहीं तो मुझे तड़का लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों से बात करने के 10-12 मिनट बाद ही लाइट आ गई थी, उसके बाद फटाफट से यहाँ मैं छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो एक कटोरी मैंने ले लिया, उसमें ये देखिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच देगी मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच ये ब्लैक सॉल्ट पाउडर, ये मैंने ले लिया है। तो इस तरीके से अगर हम मसाले पहले ले लेते हैं ना तो इसे टेस्ट ही कुछ अलग आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1 चम्मच ये मैंने छोले मसाला ले लिया है बाज़ार का। तो इस तरीके से अगर मसालों को आगे पीछे डालते हैं ना, मतलब देखिए मसाले वही पड़ रहे हैं बट कब डालते हैं, किस तरीके से भूनते हैं, इस पर डिपेंड करता है और खाने का टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है, क्योंकि सभी लोग ये चीज़ें डालते हैं। तो बस एक कढ़ाई में मैंने जीरा लिया, तेल डाला था सरसों का, उसे हीट करके जीरा, उसके बाद प्याज को 1/2 भूना, मतलब पूरा जिस स्टेज तक अच्छे से भूनना है 1/2 भून के हमने उसमें ऐड किया लहसुन का पेस्ट, अदरक का नहीं, खाली लहसुन का पेस्ट। उसके बाद जब प्याज अच्छे से भुन गई, उसके बाद सारे मसाले जो हमने इकट्ठे किए थे ना उन्हें हमने डाल दिया है। तो बस गैस को आप देख सकते हैं बिल्कुल कम है, और बिल्कुल कम फ्लेम पर आप इन मसालों को भूनें ताकि ये जले नहीं, नहीं तो कड़वे हो जाएंगे। और बस थोड़े कुछ सेकेंड भूनना है, और उसके बाद ये टमाटर का मैंने प्योरे बनाया था, 2 टमाटर का प्योरे बनाया था, ये मैंने डाल दिया है। तो टमाटर को यहाँ पर पीस लें, अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो उसके बाद 1 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, छोलों में भी मैंने नमक ऐड किया था। तो बस ढक्कन लगाकर अब इसे भून लेंगे कुछ देर के लिए। तो देखिए आप, मतलब 2 मिनट के बाद आप क्या देखेंगे, तेल जो है बिल्कुल ऊपर आ गया है, बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, मसाले अच्छे से भुन गए, पूरे घर में मसालों की महक, मतलब छोले जो बन रहे हैं ना उसकी महक सारे में चली गई है, बहुत ही अच्छा। अजवाइन में इसमें भूल गई थी डालना, आप अजवाइन भी हल्की सी तवे पे फ्राई करके, सॉरी रोस्ट करके थोड़ी सी पीस कर डाल सकते हैं, फ्राई करके बोल रही हूँ, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद चने डाल देंगे, चनों को हल्का सा 1/2 चने मैश कर देंगे और 1/2 चने को ऐसे ही छोड़ देंगे, पानी ऐड कर दिया है। तो चलिए इन्हें ढक देते हैं, इसे अब मैं उबलने दूंगी थोड़ी देर, 2-3 मिनट, उसके बाद इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। और ये देखिए, ये मैंने दोनों जीरा धनिया भूनकर भर दिया है, और इधर चावल जो है हमारे वो तैयार है, इधर आटा गूंद कर रखा है, देखती हूँ इनके लिए पूरियां बनाऊंगी, खुद के लिए चपाती बनाऊंगी क्योंकि ऑयली बहुत वो हो जाता है ना। तो बस उतनी देर मैं पीती हूँ चाय, क्योंकि ये आगे थे, इन्होंने बनाई थी चाय, और ये रखी मेरी चाय ठंडी होगी, बिस्कुट दो। हेलो, तेरे को मैंने पढ़ने बोला था ना, सो के खाती है ये, पता है हर चीज, वो देख रहे हो उसको, लेट के खाती है केला हो नाश्ते के, लेट के नहीं खाते खाना, मेरे को नहीं रखे बिस्कुट। अब लगाएंगे हम छोले में ऊपर से तड़का। तो साथ के साथ ना मैंने पूरी के लिए तेल लगा दिया था, उसी में से थोड़ा तेल निकाल लिया है, और इसमें मैंने अदरक को बारीक लंबा काट लिया था और 2 हरी मिर्चों को काट लिया है, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च डालकर इस तड़के को अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि अदरक जो है उसमें कच्चापन ना रहे और वो अगर मुँह में आ भी जाए तो टेस्ट आए। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर इसे अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद इसे डाल देंगे
डालेंगे हम कढ़ाई में, तो ये वाला तड़का ज़रूर से लगाएं, बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही। तो बस यहाँ पर ये हमारा तड़का तैयार हो चुका है, छोले हमारे जो हैं वो तैयार है। हरा धनिया डालकर गार्निश कर लेंगे और गर्मा गर्म इन्हें हम सर्व कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर नमक वगैरह मैंने पहले ही एडजस्ट कर लिया था, सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर इसे ढक देंगे कुछ देर के लिए, ताकि ये जो ऊपर से तड़का लगाया है इसकी खुशबू आ जाए। और उसके बाद यहाँ पर पूरियां मैं बना रही हूँ, तो बच्चे माने ही नहीं जब मैंने पूछा पूरियां खाओगे या चपाती, तो बस उन्होंने पूरियां बोला। फिर मैंने कहा चलिए दो चार मैं उन लोगों के लिए बना लेती हूँ। फिर हस्बैंड ने कहा चलो बना रहे हो तो हम लोग भी खा लेंगे काफ़ी दिनों के बाद, तो फिर हमने ये पूरियां बना ली थी। 7-8 पूरियां मैंने बना ली थी क्योंकि मैंने चावल को भी फ्राई कर रखा था। तो देखिए पूरियां बन चुकी है, ये चावल तैयार है पूरियां, और सैलेड में यहाँ कट किया है प्याज नींबू मिर्ची डालकर। तो ये लग चुकी है हमारी थाली, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। वो सबको खाना दे दिया है और ये रही मेरी प्लेट, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। तो चलिए पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। और ये देखिए बर्तनों पे ढेर, ये ऐसे हो ही जाते हैं। एक तो बीच बीच में ना आज लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, तो अब हम खाते हैं खाना। तो खाना खाने के बाद आ गई थी मैं किचन में, गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया था और बहुत सारे बर्तन हो गए थे वो मैंने धो लिए थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मैंने मसाला भी भुना है। तो चलिए पहले बर्तन धो देती हूँ। हाँ बर्तन सब हो गए, और ये हो रहा है दूध गर्म, हल्दी वाला दूध, और इधर ये सरसों के तेल की बोतल मैंने रखी है दोनों, क्योंकि आज मैंने इस कंटेनर में तेल डाल दिया है बहुत टाइम के बाद, नहीं तो जब से हमने ये सरसों का तेल स्टार्ट किया है ना, तो ये बॉटल में आता है तो हम इसी को यूज़ करते हैं, बट आज मैंने इसमें डाल दिया। और इधर ये छोले हैं अभी गर्म है, बाद में फ्रिज में रखूँगी, ये तेल है इसे ऐसे ही रहने दूँगी ढक के। और ये देखिए ये सारे इधर धुले हुए हैं, चमचम आ रहे हैं, और इधर सिंक भी जो है वो साफ़ हो चुकी है। चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो का भी एंड करते हैं। ये था मेरा आज का दिन, पूरा दिन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको आज की रेसिपी और आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।